हूँ हाँ कुछ सर, मैंने कर तो दिया लेकिन वो एक ही क्वेश्चन जो 3 मार्क का था वो ही नहीं हुआ ठीक है, बता दें क्या है सर। क्वेश्चन। क्वेश्चन था, इफ यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू और लेस देन 10 एंड ए इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड बी इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। ए डैश बी इज इक्वल टू ए यूनिक ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके है। और दूसरे क्वेश्चन में है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूफ करना है ऐसे करके। हाँ अच्छा, और यू ए और बी की वैल्यूज हमें दी गई हैं, राइट। सर, तो सर अच्छा मैंने किया, मैंने यू और ए की और बी की वैल्यू भी डाली पर नहीं हुआ। अच्छा तो तू ऐसा करके ये क्वेश्चन ना एक बार निष्कर्ष सर को भेज दे, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा ये, क्योंकि अभी तो हाँ मेरे को क्वेश्चन नहीं पता चला कि तेरा क्या है, पर एक सर, पिक लेके इसकी और निष्कर्ष सर को भेज दे, वो मेरे को भेज दे। मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर भेज देता हूँ ठीक है, सर, मैंने भेज दिया। एक सेकेंड। तो मनवीर, हम लोग तेरे को पूरा बैकअप करा देंगे जितनी भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं आज, बट तू ये देख सकता है कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो सब चीजें देख ले, है ना। और क्या बोल रहे हैं लोग? सर मेरे को याद तो था एग्जाम से पहले, लेकिन मैं एग्जाम में जब लिखने जाता तो मैं भूल गया चीज की ए इंटरसेक्शन ए नॉट क्या होता है। हाँ ए इंटरसेक्शन ए नॉट मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सर, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है, तो ए है और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए है, राइट। तो हाँ सर, नॉट ए के साथ ए का क्या कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या इंटरसेक्शन हो सकता है, कॉमन क्या होगा इन दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं होगा, फाई होगा। फाइव बिल्कुल ठीक ओ नहीं है। कौन सी वाली बात कर रहा है ये, 11th वाले क्वेश्चन की बात कर रही है क्या तू? दिया था। तो 11th क्वेश्चन में दिया गया यू कोई सेट है, मैं लिख देता हूं यू को क्या बनेगा। देखियो, यू कोई सेट है एक्स का और एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या हमारा यू ये नहीं बनेगा क्या? लोग देखता चलो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सर, मैंने यही लिखा था। चेतना देख सकती है क्वेश्चन, इसका टेस्ट पेपर हुआ है, उसमें ये बोला गया यू इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो मन भी तू भी ये देख सकता है कि ये क्या लिख रहा है, पहले ये समझ ले, मतलब आज बहुत ज्यादा चीजें तो पता नहीं तेरे को कितनी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि अभी तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, बट ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ बेसिक कि हम ये क्या कर रहे हैं। ओके जहां सर, पे हमें एक सेट दिया और सेट का मतलब होता है कि हमें उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए होंगे। अब इसने हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा ये होता है बिलोंग्स टू, जो है ई लगा ई जैसा साइन जो बना हुआ है, ये दिस इज बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमसे कहना चाहता है कि इस यू के वो सारी एंट्रीज होंगी या इस यू के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ये देख, इसका आंसर यही तो बनेगा, 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो भी इसने कंडीशन हमें दी है। फिर उसके बाद उसने हमें एक सेट के बारे में और लिखा, क्या बोला, ए है, एंड ए क्या है, ए ऐसा सेट है, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। राइट, ठीक है, एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो पहले ए को लिख लेते हैं, ए हमारा प्राइम नंबर है, कहां से स्टार्ट होते हैं लोग प्राइम नंबर बताएगा? सर 2 से। 2 से, तो 2 3 5 7 देन आफ्टर दैट 11 13 17
19, देखिए इनफाइनाइट सेट बनेगा क्योंकि बहुत सारे प्राइम नंबर से सारे तो हम लिख के नहीं दिखा सकते, बट हाँ हमने ऐसे इसको लिख के दिखा दिया कि देखो ये ए के अंदर ये सब एलिमेंट्स तो होंगे और भी इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो डैश 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 लगा के छोड़ दिया। क्या ये बात करेक्ट है? यस सर। ठीक है, अब एक और सेट दिया गया बी। बी में बोला गया है बी का एलिमेंट है कोई भी एक्स एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24। ये तो हम ऑलरेडी क्लास में ही कर चुके हैं मुझे लगता है। अगर इसके फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये सब इसके फैक्टर्स होते हैं। अब वो हमसे जो निकलवा रहे हैं हम सब निकाल देंगे भाई। उसने हमसे बोला a माइनस बी निकालिए, ठीक है जी, a माइनस बी को प्रूव करो किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। सर हाँ मैम ने कौन सी चीज कहा था कि इन दोनों a और b को यूनिवर्सल सेट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर से बोल। सर मैम ने कौन सी चीज कहा था इनके लिए कि a और b को यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग लिखना है? अच्छा बिल्कुल सही बात है। वैसे तो देखो ए और बी को हमें यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए था, अदरवाइज ए और बी का कोई सेंस नहीं बनेगा ऐसे लिखने का। तो यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग लिखने का ये मतलब हो गया कि हम इसके अंदर 10 से बड़ी कोई एंट्री नहीं रख सकते, राइट? और अगर 10 से बड़ी कोई एंट्री नहीं रख सकते तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 5, 7, इसके आगे की चीज खत्म हो जाएगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी 8 तक। यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग लिखने का मतलब ये होता है आलोक कि हमारा यूनिवर्सल सेट इनका सुपर सेट है, और होना भी चाहिए, यूनिवर्सल सेट तो यही होता है ना। क्यों सर मैंने यही गलती कर दी थी, मैंने 12 और 24 भी ले लिया था। ये गड़बड़ थी। अब ये सारा हो जाएगा, देख ए में से बी को हटा दे यानी कि 2 हटा दे, 3 हटा दे, 5 और 7 बच जाएगा, ए माइनस बी बचेगा 5, 7। अगर ए का इंटरसेक्शन ले बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसके अलावा जो 10 तक एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4 ले चुके हैं, 5 बचा, 6 हो चुका है, 7 बचा, 8 हो चुका है, 9 बचा, 10 बचा। अगर तेरे को इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है यानी कि इसके और इसके बीच में कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं तो 5 और 7 तो है। हो गया कर दिया हमने वेरीफाई, ए माइनस बी बना के दिखा देते हैं हम उसको, और ए इंटरसेक्शन बी होता, अगर ए इंटरसेक्शन बी होता तो फिर इसके और इसके बीच में कॉमन निकालते, फिर आंसर आता 2, 3 सिर्फ, बट फिर वो इक्वल नहीं हो पाते इसीलिए उसने दिया नहीं तेरे को। बताई समझ? यस सर। अगला कह रहा है देख इसको प्रूव करो, वैसे तुझे याद हो तो ये तो डिमॉर्गन्स लॉ ही है भाई, इसने अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बीच वाला साइन चेंज कर दिया, तो ये तो ट्रू है ही, हमें पता है इस बात का तो। पर चलो निकाल लेते हैं एक बारी, ए यूनियन बी लिखते हैं पहले तो आजा, और साथ साथ ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख ले। ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 1, 4, 6, 8, 10, 9, 10 बी कॉम्प्लीमेंट लिख ही चुके हैं। ए यूनियन बी लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन का मतलब होता है मनबीर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे, इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे इसके हिसाब से। तो अगर a मेरे पास 2, 3, 5, 7 था तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि अब इसके अलावा जो एलिमेंट्स इसमें बचे हुए हैं वो लिख लो। 2, 3, 5, 7 यहां से हटाएगा, 2, 3, 5, 7 तो बचेगा 1, 4, 6, 8, 9, 10 वो मैंने लिख लिया। वैसे b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ b, नॉट b, b नहीं चाहिए तो b लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 6, 8 इसके अलावा जो इसमें बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो लिख लो, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 10 बचा। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी को कंबाइंड करके लिख दो, बट अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो एक ही बार लिखना है, मतलब यहां पे भी 2, 3 आ रहा है, यहां पे भी 2, 3 आ रहा है, तो एक ही बार लिखो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है उनको। तो ए यूनियन बी भी लिख लिया।
कंबाइंड करके लिख दिया, 2.3 दो बार आया था, एक ही बार लिखा बटा। और अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं पूरे का, तो यानी कि इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसको लिखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9, 10 बचा बस। सिमिलरली अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करता हूं, तो ए इंटरसेक्शन का मतलब है ये वाला सेट, बी इंटरसेक्शन का मतलब है ये वाला सेट, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अपन को बताने। तो ए के पास 1, 4, 6, 8 है, यहाँ पे कहीं नहीं है 1, 4, 6, 8, देख सकते हो। 9, 10 दोनों जगह है, तो ये बन गया 9, 10। आलोक दोनों इक्वली हैं और होने भी चाहिए थे, ये तो प्रॉपर्टी है। क्या बात समझ आई तेरे को? सर तो ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन करने का मीनिंग क्या हुआ, फिर फायदा क्या हुआ? वैसे भी तो दे सकते थे ना। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, बट द पॉइंट इज कि वो हमसे चाहता था कि हम इसे प्रूव करके दिखाएं कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट, ये तो ट्रूथ है ही खुद में, बस वो हमसे चाहता था कि क्या हम ये बनाना जानते हैं, और तुम जानते भी थे इसको, तो yes. कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो हमने सारे करे भी थे इस तरीके क्वेश्चन। वो तूने गड़बड़ कर दी कि वो वैसे ये क्वेश्चन पता है गलत है, ऐसे सही नहीं है। अगर तुम्हें ये वो बात अलग है कि तुम्हें अलग से बता दिया गया आलोक ये बात कि ये यूनिवर्सल सेट के हिसाब से लिखो, बट ये क्वेश्चन इन्होंने सही फॉर्म में नहीं दिया हुआ, पर तुमने बताया जैसे कि तुम्हें बता दिया गया अलग से, तो फिर ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बताना चाहिए था ये बात कि हमें यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग लिखना है ए और बी को, ऐसे तो ए इनफाइनाइट सेट है। उन्होंने बताया ना, ये हमें एग्जाम के बाद बताया। अच्छा नहीं तो ये बात बताना ना आपको, आपको बोलनी चाहिए उनसे, बोल सकते हो बिल्कुल दिस इज नॉट द राइट फॉर्म, ऑल्दो हमें पता होना चाहिए इस बात का कि हमें ऐसे लिखना है, बट ये राइट फॉर्म नहीं थी। वो पता हमें इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो यूनिवर्सल सेट हमेशा ही सुपर सेट बोला जाता है सबका, है ना? यूनिवर्सल सेट की तो डेफिनेशन ही है, तुझे पता ही है कि यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट होगा, तो यूनिवर्सल सेट से ज्यादा एलिमेंट तो हम लिख ही नहीं सकते ए और बी में, बट द पॉइंट इज कि ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दी उन्होंने। तो इनको सही से वो लिखना चाहिए था, ये गलत था। और इसमें थोड़ा रिलेशन भी आया हुआ है, सेट्स ही नहीं है सिर्फ। खैर चलो अब मुझे बताओ हम लास्ट क्लास में कहां पे थे। हाँ बिल्कुल वो इनफाइनाइट सेट बनता है, ये तो ये फाइनाइट सेट बन गया आप सीधे ही, बहुत बड़ा डिफरेंस है कर देता है अगर हमें सही से लिख के दिया गया क्वेश्चन, तो उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, बट चलो ठीक है। आप मुझे ये बताओ चेत कहाँ पे थे हम लास्ट क्लास में, कैन आई रब दिस आलोक? यस सर, यस सर। चेतना कहाँ पे थे हम लोग लास्ट क्लास में, कहाँ तक कर चुके थे? आइडेंपोटेंट, यस। ओहो आइडेंपोटेंट के बाद, चलिए तो तीन प्रॉपर्टी हो चुकी होंगी फिर तो इन दैट केस। जितना है ना, या कितनी प्रॉपर्टीज हुई थी? बेटा तुम्हारी आवाज नहीं है, पांच? यस। तो मतलब ये वाली हो गई थी? यस सर। तो ये वाली भी हो गई होगी? यस सर। ठीक है, ए यूनियन फाई और फाई यूनियन ए दोनों बराबर होते हैं, ए इंटरसेक्शन फाई एंड फाई इंटरसेक्शन ए भी बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू आती है फाई के बराबर। ओके चलिए फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं भाई। ए यूनियन यू, दिस यू इज यूनिवर्सल सेट, इस यू को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, या फिर यू का
यूनियन ए के साथ लो या ए का यूनियन यू के साथ लो, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि दोनों चीजें सेम ही है। और ए का यूनियन अगर यू के साथ लेंगे तो खुद में ही यू आ जाएगा, ये हमने वहां पे भी देखा था, आप देख सकते हो, मैं आपको ये इससे भी दिखा सकता हूँ। अगर सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए सेट है कोई, और इन दोनों का हम यूनियन लेना चाहते हैं, तो यूनियन का मतलब इनका टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स का मतलब ये बाहर यू है, ये अंदर ए है, तो ए तो खुद ही ऑलरेडी यू के अंदर आ रखा है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। तो अगर ए प्रॉपर सबसेट है यू का, तो इसका आंसर बड़े वाला सेट हो जाएगा यू। वहीं पे अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं यू के साथ, इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, मनवीर, दिस इज रेड एज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन कितना है, एंड दिस इज यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड पोर्शन कितना है, ऐसे समझ सकता है तू अभी के लिए इस चीज को। तो कंबाइंड पोर्शन अगर ए और यू का देखते हैं तो पूरा का पूरा यू आ जाएगा कंबाइंड पोर्शन, बट अगर इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि भाई कॉमन पोर्शन कितना है, तो वो आ जाएगा बच्चे हमारे पास सिर्फ ए। तो यही दोनों चीजें लिखी है हमने यहाँ पे, कि अगर पहली चीज कि अगर दोनों के कंबाइंड पोर्शन हम निकालना चाहते हैं तो कंबाइंड पोर्शन होगा यू, और अगर दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन देखना चाहते हैं ए और यू के बीच में, कि इन दोनों ये दो फिगर बनाई हुई इन दोनों में कॉमन पोर्शन कितना है, तो पूरा का पूरा ए कॉमन है, ये वाली चीज कॉमन जो अंदर लिखो, ये कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन यू बोलो या यू इंटरसेक्शन ए बोलो, दोनों का आंसर ए ही है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सिमिलर टू, जैसे आप आज तक मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करते आए, बोर्ड मास में आपने ये चीज सीखी हुई है। मान लो मैं आपके सामने ये लिखता हूं 4 into 3 + 2। अब आप इसका सॉल्व करें बिना मुझे पहले आंसर बताओ, आंसर मतलब इन द सेंस कि अगर मैं इसको 4 को अंदर लेके जाना चाहता हूं तो देखो ऐसे ही तो लिखूंगा 4 into 3 + 4 into 2, क्या ये करेक्ट है बात? यस सर। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी तो करते हैं हम, अगर हमारे पास बाहर ब्रैकेट के कुछ भी लगा हुआ, एक सेकंड, हाँ जी, तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अंदर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम दोनों के साथ अलग अलग जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिमिलरली हम देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की दो लॉ पढ़ते हैं, कि मान लो आपने बाहर ऐसे लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यूनियन को अंदर जाके दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसको लिख दूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। वही काम किया जो यहां पे किया है, देख सकते हो इसको बिल्कुल इसी तरीके से, देखो ये अलग नहीं कर रहा हूं मैं कुछ, वही कर रहा हूं जो आज तक हमने सीखा है डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन को अंदर लेके जाना चाहता हूं, तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा और जो बीच में साइन है वो लगाऊंगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ, ये आप देख सकते। 4 मल्टीप्लीकेशन अंदर लेके गया था, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली ए यूनियन कर रहा था किसी चीज के साथ, ए यूनियन करा पहले वाले के साथ, बीच में लगा हुआ था इनके इंटरसेक्शन, इसको लिख दिया, फिर ए यूनियन करा सी के साथ। वैसे ही 9th वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम की है, ए इंटरसेक्शन इस बार अंदर लेके जाना चाहता हूं, तो ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ करूंगा, जो बीच में साइन लगा हुआ है यूनियन का वो लगा दूंगा, और फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ करो। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
एंड लास्ट इज डी मॉर्गन्स लॉज, ये काफी यूज होगी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है कि सपोज आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, आप ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं, तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि ए के साथ भी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। मनवीर ये दोनों सिंगल से, दोनों सिंबल सेम ही है, ये डैश वाला भी डैश लगा रहे हैं तो भी कॉम्प्लीमेंट है, और अगर बार लगा रहे हैं तो भी कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है जिससे तेरे को पता रहे ये बात। और बीच वाले साइन को हम कर देंगे चेंज, यानी कि अगर ये यूनियन था तो कर देंगे इंटरसेक्शन, अगर ये इंटरसेक्शन होता तो कर देते यूनियन, और साथ में दूसरे वाले पे भी भेज देंगे। तो दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं, अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने लिखा ऊपर। सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए चेतना बताएगी ऊपर वाली एनालॉजी लगाते हुए? सर ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि देखो बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो इसे जाके हम चेंज करते हैं। Yes. अब इस प्रॉपर्टी का काफी यूज होता रहेगा। तो इसको अपन देखते रहेंगे, आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन। फिर से बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, टेंथ वाला, टेंथ और इलेवेंथ दोनों एक जैसे चलेंगे आलोक, पहले तो ये समझ, ठीक है? तो अगर टेंथ वाला समझ आ जाएगा तो इलेवेंथ वाला भी आ जाएगा। टेंथ वाले में क्या बोल रहे हैं, टेंथ वाले में हमसे बोला जा रहा है कि भाई देखो दो सेट है आपके पास ए एंड बी, राइट, और ए और बी का आपने यूनियन लिया, यूनियन के बाद आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे, तो और अच्छे से समझने के लिए आई गेस तेरे को ये सीखना चाहिए वेन डायग्राम के थ्रू। आओ, और मनवीर भी थोड़ा देख लेगा वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम ये जो हम सेट लिख रहे हैं इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक फॉर्म में, बस इन्हीं को ही हम डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बच्चे, बट इससे हमें बहुत आसानी से चीजें दिख जाती है। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं, मैंने ये पोर्शन बोल दिया ए, ये पोर्शन बोल दिया बी, ये पोर्शन बोल दिया सी, ये पोर्शन बोल दिया डी, राइट। अब जरा मेरे साथ चलिएगा ध्यान से, तो ए यूनियन बी, आलोक ए यूनियन बी का पोर्शन बता मुझे कौन सा है, कौन कौन सा पोर्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाम से बताइए। ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, करेक्ट बात है। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को पूरा कंबाइंड कर दो, पूरा कंबाइंड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी। अगर मैं इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं आलोक, तो कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब है कि ये नहीं चाहिए जो है भाई। ए यूनियन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगते मतलब ए यूनियन बी अब नहीं चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए तो क्या होगा वो पोर्शन? हेलो, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा फिर तो। ए यूनियन बी तुझे नहीं चाहिए तो डी नहीं हो जाएगा वो पोर्शन? डी, हाँ सर, है ना, पोर्शन से देख, अभी पोर्शन से देख सकते, ठीक है। अब देखते हैं जरा जो दूसरी बात इसने लिखी हुई है इसको भी देख लेते हैं। तो हमें आंसर चाहिए था बेसिकली अपना डी, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये हम कैलकुलेट करना चाहते थे, हम देखना चाहते हैं इससे भी क्या आंसर डी आ रहा है, अगर इससे भी आंसर देख डी आ गया तो हम करेक्ट है, और अगर इससे आंसर डी नहीं आया तो हम इनकरेक्ट है। फिर देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बता मुझे कौन कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बी सी और डी। बी में तो ए है, ये स्मॉल बी में तो ए है ना, देख सी और डी बचेगा सिर्फ, बिल्कुल। और बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा? ए डी, ए प्लस डी, सही बात है। दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है सी प्लस डी और ए प्लस डी में? डी, डी आ रहा है, राइट। तो क्या मैं इससे ये नहीं कह सकता कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी डी बनेगा,
देख दोनों चीजें बराबर है कि नहीं? यस सर। अब इसे वैसे समझ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये समझ कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं तो इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बोले तो ए के साथ अलग लेके आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को, बी के साथ अलग लेके आ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को, और जब इन दोनों के साथ अलग अलग लेके जाएंगे कॉम्प्लीमेंट तो बीच वाला साइन चेंज कर देंगे। सिमिलरली इलेवेंथ वाले में भी करा हमने, वहां पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, कॉम्प्लीमेंट को दोनों के साथ ले गए, बीच वाला साइन कर दिया, चेंज, दोनों बार एक ही काम किया। यस सर। ओके, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई, तो हमें पता चल जाएगा फिर सारी चीजों का अच्छे से। यही क्वेश्चन करने थे आज हमें, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन करने हैं थोड़े तो, और उसके बाद फिर हमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने हैं और थोड़े। हाँ जी, तब कर सकता हूँ क्या? नोट नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं बस मेरे को, अगर आपने नोट नहीं किया है, और अगर आप नोट कर चुके हैं तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि आपने नोट कर लिया। अच्छा, कर चुके हैं नोट मतलब। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो हमें एक क्वेश्चन दिया गया, एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई, इफ ए इज इक्वल्स टू, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू है हमारे पास नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 7। फिर एक नंबर दिया हुआ है बी, तेरे को यहां से ये भी पता चलेगा लोग जो तेरा क्वेश्चन था ना वो सही फॉर्म में कैसे होना चाहिए था, देख अगर उसे सही से लिखना था तो कैसे लिखना चाहिए था, x इज प्राइम एंड x इज लेस देन 8। ये देख अब सही है, ये पता चल रहा है हमें क्लियरली, ये x प्राइम है और x 8 से छोटा प्राइम है, ऐसे नहीं, प्राइम नंबर का सेट तो बहुत बड़ा होगा, बट अगर उन्हें लिखना था सही फॉर्म में तो ऐसे लिखना चाहिए था। बोल सकते हैं तो ये रेज कर दिए क्वेरी कि मैम ये गलत लिखा हुआ था, आपको इसको सबको मार्क्स देना चाहिए, बोल दो, वो बहाने बना देंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये सही है, तुम्हें पता होना चाहिए था दैट यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट टू ऑल द सेट्स, बट टेक्निकली स्पीकिंग तो वो गलत था। तो हमें तीन सेट दिए हुए हैं एबीसी एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट, वी नीड टू एक्ट नॉट कैलकुलेट, वी नीड टू वेरीफाई दीज थ्री पार्ट्स, नो ओनली टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, जो अभी हम पढ़ के आए हैं बेसिकली वही हमें उन्हें ये दिखाना है कि ये ट्रू है, ये ऐसे नहीं है भैया बीच में यूनियन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है अपनी। एंड सेकंड इज ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, करो सॉल्व।
आप पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। पहले ए यूनियन के लिए बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर लो, पहले तो इसको लिख लो और फिर LHS और RHS दोनों को अलग अलग बना के दिखाओ। LHS से शुरुआत करते हैं अपन। LHS में हमें दिया गया है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले तो B इंटरसेक्शन C निकाल देते हैं। B भी है C भी है, अच्छा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं, क्योंकि अभी A भी लिखना पड़ेगा, B भी लिखना पड़ेगा, C भी लिखना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी निकालने से पहले जरा ए लिख लें। ए क्या है? ए है सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स होना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर और एक्स होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि हमें ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 7 या 7 से छोटे हों। क्या होंगे आंसर्स, फटाफट बता दो जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Correct. Now, let's come to B. B is a set of element X such that X is prime and X is less than 8. यानी के मुझे लगता है 8 से छोटे सारे prime numbers. Yes, sir. क्या होगा? 2, 3, 5, 7 Correct. बात है. And then set C is X belongs to natural numbers, comma X is odd and X is less than 10. यानी कि हमें सारे odd numbers लिखने हैं, सारे odd natural numbers लिखने हैं जो 10 से छोटे हैं। 1, 3, 5, 7, 9 Correct बात है एकदम। यानी कि set ये बन गया, जितना सही है तीनों set। Yes sir. चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं जरा इससे आगे। अब देखते हैं LHS। LHS में उसने हमसे क्या पूछा? LHS तो अब शुरू करेंगे, ये तो हमें दोनों ही क्वेश्चन के लिए काम आएंगे, ए बी 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 सी। अब हमने स्टार्ट किया LHS। तो भैया LHS में हमें कैलकुलेट करना है ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। बी इंटरसेक्शन सी हम निकाल सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ बी और सी में कॉमन क्या पोर्शन। बी और सी में अगर हम देखते हैं तो कॉमन है 3, 5, 7 यानी कि बी इंटरसेक्शन सी को लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद हमें ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बी इंटरसेक्शन सी के अंदर है 3, 5, 7 ध्यान से देखोगे तो 3 भी है यहाँ पे, 5 भी है यहाँ पे, 7 भी है यहाँ पे। तो अगर मैं यूनियन लेता हूं ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही रहेगा, सेट ए का ए ही रहेगा। क्योंकि अगर कोई नया एलिमेंट होता बी इंटरसेक्शन सी के पास तो मैं उसे इसमें ऐड करता। बी इंटरसेक्शन सी के पास सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट हैं, जो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर यही रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? अच्छा ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बना हमारा ये। अब हम बात करते हैं जरा RHS। RHS की बात करें तो मनवीर तेरे को भी आ रही है कुछ बात समझ? थोड़ी बात। अच्छा यार, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, तो इसलिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ तेरे को थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहूं। चल ट्राई कर, तू बता ए यूनियन बी क्या बनना चाहिए तेरे हिसाब से, बता क्या बनना चाहिए। कुछ भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही कोई टेंशन वाली बात। सर ए यूनियन, यूनियन का मतलब है कंबाइंड कर दो इसको, ए और बी सेट को कंबाइंड कर दो, जितने भी इनके पास टोटल एलिमेंट्स है। ओके
पर कोई भी एलिमेंट दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा। ओके सर, तो बता क्या होना चाहिए? सर वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब इसके पास अगर मान ले यहाँ मुझे बोलता ए इंटरसेक्शन सी निकालो या ए यूनियन सी निकालो, तो चल ए यूनियन सी भी निकालते हैं, ये भी तेरे को ही बता। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है तेरा। ए यूनियन सी बता क्या होना चाहिए? वन वन टू, देख बिना सोचे समझे ए के तो सारे एलिमेंट्स आने ही आने हैं, चल तो ये समझ ले। ए के तो सब आने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब बी के पास जा, सॉरी सी के पास जा और देख सी में कौन सा एलिमेंट नया है। अगर कोई नया एलिमेंट है तो वो इसमें ऐड होगा, और अगर वही एलिमेंट है जो ए में आ रहे हैं तो वो उसमें दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे बता? नाइन होना चाहिए, करेक्ट बात है। समझ गया बस बात तू? अब चल ये भी सीख ले, यहां से तू इंटरसेक्शन भी सीख जाएगा। अब हमें इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। ओके सर, बता क्या होना चाहिए फिर? सर ए और बी में नहीं, ये जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में क्या कॉमन है? ओके सर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। हमें प्रूव करना था, देख ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये तूने अभी अभी निकाली, ये रहा। यस सर, और मतलब ये तो हमने अभी निकाली थी पहले, ये तूने निकाली अभी, क्या ये दोनों इक्वल है? यस सर, ये बताएगा हमें जो इधर राइट हैंड साइड पे इनकी वैल्यूज लिखी है। yes. और मैं देख रहा हूँ कि दोनों वैल्यूज एकदम सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS is equals to RHS. अब ऐसे ही आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। अब आप सेकेंड वाला पोर्शन ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। पहले निकालिएगा बी यूनियन सी एलएचएस के लिए, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड। तो पहले बी यूनियन सी निकालो, यानी कि बी और सी को कंबाइंड करो, देखो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर ए के साथ उसके कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दो, वो इसका आंसर हो जाएगा एलएचएस का। फिर आरएचएस के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालो, और फिर इन दोनों को कंबाइंड कर दो, उठा के यूनियन लगा दो इनके बीच में। Can I drop this first part? अगर आप सभी लोगों ने लिख लिया हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अगर आपने नहीं।
ठीक है मनवीर, मैं कर देता हूँ वापस, रुक जाओ। ऊपर वाला भी लिखना है, एलएचएस वाला पार्ट भी, ये बता। नो सर। ठीक, बता दियो अगर वो भी लिखना हो तो मैं वापस लेके आ सकता हूँ। यस सर, हो गया। ठीक है, सर मेरा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आंसर बता क्या आया दोनों पार्ट का, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा था। सर 1 2 3 5 7। 1 2 3 5 7। यस। ठीक है, चल आ जा देख लेते हैं। तो पहले तो बी यूनियन सी निकालने भैया, बी यूनियन सी निकाला तो 1 आया 2 आया 3 आया 5 आया 7 आया और 9 आया। मनवीर देख ले क्या हमारा बी यूनियन सी सही है। देख 3 5 7 तो दोनों में आ रहे थे, 1 2 और 9 और लिखने होंगे अलग से। अब हमें निकालना है ए के साथ इसका कॉमन, ए और इसमें क्या क्या कॉमन है बताएगा मनवीर, तेरे को ही बताना है। ये सर 2। हाँ 3। हाँ 5 एंड 7। फाइव 1 भी तो है जो yes, तुमने जवाब दिए बिल्कुल सारे सही थे, पर 1 भी छोड़ दिया। तो 1 2 3 5 7 ये हो गए हमारे ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। अब आरएचएस को देख लेते हैं जरा। आरएचएस में हमसे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन विद सी निकालो, दोनों का यूनियन ले लेना है बाद में। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बनता है 2 3 5 7। ए और बी में ये कॉमन है 2 3 5 7। ए और सी में क्या क्या कॉमन है 1 3 5 7। अगर इन दोनों का यूनियन लू तो 1 है 2 है 3 5 7, तो तीनों में कॉमन है। क्या है दोनों बराबर है दो? हेलो, बात समझ आई? पूछ लियो कहीं भी प्रॉब्लम हो तो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बन सकते हैं, वो हमसे यही प्रूव कराएगा। जो भी प्रूव होंगे बहुत बेसिक से प्रूव होंगे, जिसमें हमें बस ये निकालना आना चाहिए क्या वो कह रहा है, वो हमें निकालना आता है कि नहीं आता है। ज्यादातर यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, और हद मार के नहीं तो कॉम्प्लीमेंट दे देगा। बस हमें सारी चीजें आती है निकालनी, सब हम ये कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, आर यू डन विद दिस?
तो मैं रब करने जा रहा हूँ, अगर आपने नहीं करा ना तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। बाय द वे दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। चलिए अब इसके बाद आज हमें सवाल नहीं करना है कोई भी, इसके बाद हमें दो चीजें समझनी, थोड़ा हम लिखना समझना चाहते हैं कैसे लिखते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ टू सेट्स, जब हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा और दो सेट दिए गए होंगे इसके अंदर, देखिए भैया आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज तो आप इसके पोर्शंस को मार्क कर दीजिए, ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत आते हैं। इफ यू हैव एनी एल्डर ब्रदर और सिस्टर हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आइदर गवर्नमेंट एग्जाम्स और एमबीए एग्जाम्स, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक आता रहेगा जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, हर एग्जाम में वेन डायग्राम पूछा जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन हमारे आने हैं सिस्टम ऑफ टू सेट्स के आएंगे या तो या फिर सिस्टम ऑफ थ्री सेट्स के आएंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए सिस्टम ऑफ टू सेट्स से मतलब है दो सेट्स के बारे में बात हो रही होगी। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एक तो ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, डी पोर्शन, ए बी सी डी पोर्शन। वैसे ही आपके पास सिस्टम ऑफ थ्री सेट्स भी आ सकता है, तो एक तो तरीका है कि आप इसको पोर्शन वाइज सॉल्व करें, और पोर्शन वाइज सॉल्व करने के लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा पोर्शंस के साथ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक स्मॉल ए वाला पोर्शन, स्मॉल ए सिर्फ सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यार रुक जाओ, मैं ये कंफ्यूज नहीं होते हैं, ये पी क्यू कर देता हूं, ये जो हमारे सेट्स हैं ये है पी क्यू आर, बाहर है कोई यूनिवर्सल। इसमें अगर हम पोर्शंस डिवाइड करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मैं स्मॉल ए वाले पोर्शन की बात करूं तो ये है ओनली पी, सिर्फ पी को जो रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ पी को। वैसे तो पी को पूरा का पूरा ए प्लस बी रिप्रेजेंट करता है, बट बी ऐसा पोर्शन है जो क्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ पी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्यू का कोई हाथ नहीं उसमें। और ओनली पी को ऐसे लिखा जा सकता है, अगर मैं ओनली पी को लिखना चाहता हूं तो मैं कह रहा हूं पी चाहिए क्यू नहीं चाहिए, पी चाहिए क्यू नहीं चाहिए। अगर सी पोर्शन की बात करूं तो सी पोर्शन है ओनली क्यू, ओनली क्यू को लिखने का तरीका है क्यू चाहिए सिर्फ पी नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए होता उस पर लगा देते कॉम्प्लीमेंट। अगर बी पोर्शन की बात करूं तो बी पोर्शन है पी एंड क्यू बोथ। ये मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं ये ऐसे वर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे आपके से पूछे जाएंगे, जब वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पोर्शन है। ओनली पी बोले तो ए पोर्शन, ओनली क्यू बोले तो सी पोर्शन, पी एंड क्यू दोनों चाहिए बोले तो बी पोर्शन। ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो पी और क्यू, इसको लिखते हैं हम पी इंटरसेक्शन क्यू, और P और Q का मतलब है P यूनियन Q। और अगर D पोर्शन की बात करूं तो नाइदर P नॉर Q, और नाइदर P नॉर Q को रिप्रेजेंट करते हैं, ना ही तो P चाहिए ना ही तो Q चाहिए। ये तो हुए इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जो आपको पता होना चाहिए।
दीज आर इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स विच यू शुड नो. आपको इसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इसी तरीके से आंसर भी करने होंगे. बट मैं आपको दोनों तरीके बताना चाहता हूँ, एक पोर्शन वाला, ये वाला पोर्शन वाला तरीका, एंड ये वाला सेट्स वाला तरीका, कि आपको सेट की फॉर्म में कैसे लिख के दिखाना है. पहला या ए प्रॉपर्टी अगर हम यहां की बात करें तो आपसे पूछे जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू बताइए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी यूनियन क्यू का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू. मान लो ए के अंदर है, मान लो ऐसे इस क्वेश्चन को समझो, आपकी क्लास है, आपको गेम्स दिए गए दो, दो गेम्स दिए गए, क्रिकेट और फुटबॉल. तो सपोज टोटल क्लास है 50 बच्चों की, 40 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, 30 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल. इसी 50 बच्चों की क्लास में 40 बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, 30 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल. तो पहली बार ही देखने पे हमें लगेगा कि यार ये तो टोटल 70 बच्चे हो गए, टोटल तो क्लास में 50 ही बच्चे हैं. आप कह रहे हो 40 क्रिकेट खेलते हैं, 30 फुटबॉल खेलते हैं, तो ये तो टोटल 70 बच्चे हो जाएंगे. नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हो. इनफैक्ट जितने एक्स्ट्रा बच्चे आपने गिने हैं ना, ये टोटल बच्चे थे 50 और आपने गिने 40 प्लस 30 70, तो ये जो 20 एक्स्ट्रा बच्चे हैं ये वही बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं. तो आपने इनको दोनों जगह गिन लिया. इसी एनालॉजी को यहां पे लगाओ कि जब आपको यूनियन निकालना है तो आपने पहले वाले के साथ दूसरे वाले के एलिमेंट्स को ऐड किया, बट जब आपने पी को लिया तो आपने बी वाला पोर्शन ऑलरेडी काउंट कर लिया था. जब आपने क्यू के एलिमेंट्स को लिया तब भी आपने दोबारा बी वाला पोर्शन काउंट कर लिया. काउंट तो यार एक ही बार करना था, आपने तो दो बार कर लिया, तो एक बार माइनस भी कर दिया. ऐसे ही सेकंड वाले सिस्टम ऑफ थ्री सेट्स की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में लिख पाएंगे, इसी की लिख लेते हैं आज. तो अगर आपसे बोला जाता है सिर्फ ए वाला पोर्शन कैलकुलेट करो, सिर्फ ए वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मतलब ओनली पी वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी कितने होंगे, तो आप कैसे निकाल सकते हो, यानी कि आपको ए पोर्शन निकालना है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन क्यू को माइनस कर सकते हो. यानी कि इस पूरे के पूरे पी से अगर मैं वो वाला पोर्शन हटा दूं जो क्यू के साथ भी शेयर हो रहा है, तो बचेगा जो पोर्शन वो सिर्फ और सिर्फ पी में ही आ रहा होगा. ऐसे ही इसकी सी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ क्यू वाले एलिमेंट अगर आपको निकालने होते तो आप क्यू के एलिमेंट्स से दोबारा पी इंटरसेक्शन क्यू को माइनस कर सकते हैं. ये हुई जी आपकी तीन प्रॉपर्टीज जो आपको काफी काम आती रहेंगी यहां पर. अब सिस्टम ऑफ थ्री सेट्स को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और साथ साथ इस पर लगाएंगे क्वेश्चंस. तब हम क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको अच्छे से समझ जाएंगे. पहले हम लगाएंगे पोर्शन वाइज क्वेश्चन, मतलब एबीसीडी की टर्म्स में, फिर हम इसको ये भी देखेंगे कि अगर सेट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाना हो तो कैसे दिखाना है. बट वो बाद की बात है, पहले एबीसीडी के हिसाब से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है जी, चलिए फिर, टाटा बाय बाय. आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, अटेंड करते हैं, मिलते हैं फिर जो हमारी अगली क्लास होगी.